हे गाइस वेलकम दोस्तों, रेडमी के 50 सीरीज जो कि कंफर्म हो चुका है जल्दी चाइना के अंदर लॉन्च की जाएगी। यहां पर दोस्तों तीन स्मार्टफोन जाने वाले हैं, रेडमी के 50, रेडमी के 50 प्रो और एक स्मार्टफोन होगा रेडमी के 50 लाइटर वेरिएंट यानी कि लोअर वेरिएंट। और इनके दोस्तों कुछ फीचर्स भी निकल के आ चुके हैं, लाइक रेडमी के 50 दोस्तों डायमेंसिटी 9000 5G चिपसेट के साथ आ सकता है, और जो Redmi के 50 Pro होगा वो दोस्तों 8 Gen 1 के साथ आएगा, और इसका जो लाइटर वेरिएंट होगा लोअर वेरिएंट वो दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 5G चिपसेट के साथ आने वाला है। और मैं आपको बता दूं Redmi के सीरीज के सारे स्मार्टफोन इंडिया में Poco की ब्रांडिंग के साथ लॉन्च किए जाते हैं, लाइक Redmi के 40 जो कि चाइना में आया था और वो दोस्तों बाहर अदर कंट्री में Poco F3 के नाम से लॉन्च हुआ था, बट इंडिया में दोस्तों Poco F3 GT के नाम से लॉन्च किया गया था। तो गाइस अब निकल के आ रहा है कि जो Redmi के 50 लाइटर वेरिएंट होगा ना वो इंडियन मार्केट में Poco F4 5G के नाम से लॉन्च किया जाएगा, और क्योंकि ये गीक बेंच पर स्पोर्ट हो चुका है स्नैपड्रैगन 870 के साथ। और दोस्तों Poco एक ऐसा ब्रांड है जो कि इंडिया में पावरफुल चिपसेट को काफी चीप प्राइस पर लेके आता है, लाइक Poco X3 Pro जो कि 19,000 के प्राइस बजट पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 860 के साथ आता है, जो कि अभी भी इकलौता स्मार्टफोन है इस पावरफुल चिपसेट के साथ। इससे पहले Poco F1 जो कि स्नैपड्रैगन 845 के साथ आया था अराउंड 20,000 पर, वो भी इकलौता ही स्मार्टफोन था उस टाइम पर। और अब दोस्तों बताया जा रहा है कि जो Poco F4 5G स्मार्टफोन होगा ये अंडर 20,000 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 5G चिपसेट को लेकर आएगा, और दोस्तों Poco के लिए पॉसिबल हो सकता है इंडिया के अंदर इतने पावरफुल चिपसेट को चीप प्राइस पर लेके आना। दोस्तों इसके अनदर फीचर्स की बात करूं तो इस फोन में आपको 120 हर्ट्ज का IPS डिस्प्ले मिल जाएगा, हालांकि एमुलेट यहां पर एक्सपेक्ट मत करना, आई थिंक अंडर 20,000 में सभी चीज़ें देना पॉसिबल नहीं है ना, तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। 120 हर्ट्ज के साथ IPS LCD डिस्प्ले मिल सकता है विद सेंटर पंच होल, यहाँ पर दोस्तों आपको बैक और फ्रंट दोनों तरफ कॉइनिंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाएगी, इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी होने वाला है। दोस्तों परफॉर्मेंस ऑलरेडी यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 ही दिया जाएगा, 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है, काफ़ी पावरफुल है, मतलब दोस्तों अंडर 20,000 में वन ऑफ द बेस्ट है ये। दोस्तों कैमरास की बात करूँ तो बैक में 48 मेगापिक्सल या फिर 50 मेगापिक्सल्स के ट्रिपल कैमरास दिए जाएंगे। इस फोन में अराउंड 5000 mAh की बैटरी होगी और फास्ट चार्जिंग भी दिया जाएगा, आई थिंक कम से कम 33 वॉट तो आपको मिलने ही वाला है। दोस्तों इसमें सभी चीज़ें होंगी, टाइप सी पोर्ट, 3.5mm का जैक, फेस अनलॉक, सभी कुछ आपको मिल जाएगा। दोस्तों प्राइस की ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि ये जो स्मार्टफोन है अंडर 20,000 में इंडिया के अंदर आने वाला है। अब लॉन्च की बात करूं तो जैसा कि ये Redmi के 50 सीरीज है वो चाइना के अंदर फरवरी के लास्ट तक लॉन्च की जाएगी, और इंडिया के अंदर आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो Poco F4 5G रीब्रांड होके आएगा वो दोस्तों आपको फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिल जाएगा, आई थिंक मार्च या अप्रैल तक आपको मिल सकता है। दोस्तों आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो इस फोन से, क्या प्राइस पर आना चाहिए और कैसा स्मार्टफोन ये निकल के आता है आपके अकॉर्डिंग, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए। गाइस मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।